A fresh update coming in on Lawrence Bishnoi, the gangster who's currently in custody, and now a charge sheet has come on that. And the police has said, and the National Investigation Agency has called this gangster Lawrence Bishnoi as the new Daoud. The charge sheet has compared the Bishnoi gang to the D Company. This is an explosive charge sheet accessed by India Today now, where the Bishnoi gang spreading tentacles like the D Company, the NIA has said. The National Investigation Agency has said over 700 shooters were present in the Bishnoi gang. Goldie Brar, who's based outside, possibly in Canada, is running the whole syndicate, even if Lawrence Bishnoi is currently in prison. He's saying this is no less than how the Daoud gang was also working about. I want to quickly go across to my colleague Arvind Oja for the latest on that. Arvind, ye kafi bada comparison hai. Kya soch ke the National Investigation Agency ne kaha hai ki Daoud jaisa, Daoud company, Daoud gang jaisa, Lawrence Bishnoi gang hai? नहीं देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर गैंगस्टर नेटवर्क में इन्वेस्टिगेशन की थी और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार समेत 16 गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. लेकिन चार्जशीट में एनआईए ने बड़ी बात कही है और लॉरेंस बिश्नोई को अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया है. एनआईए ने बकायदा चार्जशीट में लिखा है, जो इंडिया टुडे ने एक्सेस भी किया है चार्जशीट, उसमें लिखा है कि जैसे 90s में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे क्राइम करके अपना खुद का गैंग बनाया, उसके बाद ड्रग्स में डील किया, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया और उसके बाद टेरर सिंडिकेट खड़ा किया, ठीक उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई भी छोटा मोटा गैंग चलाता था. उसके बाद उसने अलग अलग कई गैंग से अपना एसोसिएशन किया और अब जेल में बैठकर वो खुद और देश से बाहर गोल्डी बरार जो उसका एसोसिएट है वो मिलकर एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चला रहे हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में ये गैंग फैल चुका है. राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इस पूरे रीजन में वो गैंग फैल चुका है. 700 से ज्यादा शूटर्स वो इस गैंग में है, जिसमें 300 सिर्फ पंजाब के हैं और जो एक्सटॉर्शन का ये कमाई होती है वो थाईलैंड और कनाडा जैसे कंट्रीज में भेजी जाती है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में एनआईए की टीम ने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया और अलग अलग जरिए से ये जो यूथ्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं, उनको कनाडा या फिर मनचाही कंट्री में भेजने का लालच देते हैं, उसके बाद रिक्रूट करते हैं. सिद्धू मूसेवाले मर्डर का जिक्र बकायदा एनआईए ने किया है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और कई को अक्यूज वो जेल में ही बंद थे, जेल से कॉन्स्पिरेसी रची और जो पूरा ऑपरेशन चलाया वो देश से बाहर बैठा सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार ने ऑपरेशन चलाया. तो ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है जिस तरीके से हाल फिलहाल में चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, अलग अलग स्टेट में बिश्नोई गैंग ने क्राइम को अंजाम दिया. खासतौर से अभी रिसेंट की बात की जाए तो गोल्डी बरार ने हनी सिंह को एक्सटॉर्शन कॉल की है, जिसकी एफआईआर दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर कराई है. तो एनआईए ने ये इन्वेस्टिगेशन की है और चार्जशीट फाइल की है. लेकिन जो बड़ी बात है वो बड़ी बात ये है कि बिश्नोई गैंग की तुलना डी कंपनी दाऊद इब्राहिम से की और ये बताया कि जैसे 90s में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क फैलाया था, ठीक उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना नेटवर्क फैला लिया है. पूजा, इंटरेस्टिंग. अरविंद, कीप ट्रैकिंग द लेटेस्ट ऑन दिस बिग एक्सप्लोसिव रेवलेशन दैट्स कमिंग इन. लाइक दाऊद, लॉरेंस बिश्नोई एंड हिज गैंग वर स्टिल रनिंग अ सिंडिकेट. थैंक यू सो मच अरविंद ओझा.